Hello friends, welcome back to my channel. In the workshop today we have got cherry tomatoes. दोस्तों हमारे gardening section में आज हम आपके लिए लेके आए हैं cherry tomatoes. Cherry tomatoes बहुत छोटे छोटे tomatoes होते हैं. ये जो wild tomatoes होते हैं और domestic tomatoes होते हैं उनके बीच की एक species है. ये cherry के आकार की होती है या grapes के आकार की होती है, इसलिए इसे cherry tomatoes के नाम से जाना जाता है. आज हम आपको बताएंगे कि cherry tomatoes को tomatoes से कैसे उगाया जाए. दोस्तों ये टमेटोज पूरी तरीके से पके हुए हैं, हम इन्हें दो पार्ट में काटेंगे. टमेटोज को ग्रो करने के लिए हमने लिया है टॉप गार्डन सॉइल. इसके ऊपर हम एक लेयर बिछाएंगे वर्मी कंपोस्ट की. अब हम इसके ऊपर हमारे टमेटोज को रखेंगे. हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर टमेटोज को रख दिया है क्योंकि एक एक टमेटोज के अंदर 10 से 15 सीड्स हैं इसके अंदर. इसके बाद हम दोबारा से वर्मी कंपोस्ट से इसे कवर करेंगे. फ्रेंड्स अब हम वाटरिंग करेंगे. दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने हमारे टमेटोज को लगा दिया है. अब हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे और देखते हैं रिजल्ट कितने दिन में आता है. दोस्तों लगभग 20-25 दिन हो चुके हैं, अभी तक हमारे टमेटोज के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आया है. लेट्स वेट एंड वॉच. तो दोस्तों ये है हमारे चेरी टमेटोज जिनके अंदर स्प्राउटिंग हुई है और जहाँ जहाँ पे हमने टमेटोज के पीसेस रखे थे वहाँ पे बंचेस के अंदर सीडलिंग्स आ रहे हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हैं बंचेस में एक एक पीस के ऊपर लगभग 8-8, 10-10 टमेटोज के सीडलिंग्स नज़र आ रहे हैं. दोस्तों थोड़ा वक्त ज़रूर लगा है लेकिन हमारे टमेटोज का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है.